मेरे एक मित्र हैं, मित्र क्या भाई हैं, दरअसल हम साथ साथ पढ़े थे, तो तभी से हमारे विचार और सब कुछ इतना मिला कि हम मित्र की जगह भाई भाई से हो गए। वो हरियाणा पुलिस में एक बड़े अफसर बन के चले गए, काफ़ी बड़े अफसर हैं, पूरा स्टाफ उनका, पूरे 6-7 जिलों का स्टाफ उनके अंदर रहता है। तो चूंकि मेरे भाई जैसे हैं तो मिलने के लिए अक्सर उतावले रहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं गाड़ी भेज दूंगा, आप आ जाना। तो मैंने कहा गाड़ी घोड़ा मत भेजो मुझे, क्योंकि इनका मुझे आदत लगी तो दिक्कत हो जाएगी, मैं आ जाऊंगा अपने हिसाब से। तो छुट्टी वाले दिन मैं बस में, क्योंकि बस का मुझे कंफर्टेबल रहता है, पैसा भी बचता है उससे, और वो ड्राइवर भी मिलता है फ्री में, साथ में एक कंडक्टर भी मिलता है जो देखभाल करते हैं, बड़ी बस होती है तो लोग भी मिलते रहते हैं, तो चिंतन भी चलता रहता है, मनन भी चलता रहता है। तो मैं बस में करनाल बाईपास से बैठ गया, हमारे दिल्ली के जब बसें जाती हैं वहाँ करनाल के जाने के लिए एक बाईपास है, बड़ा फेमस है, सारी बस वहाँ रुकती हैं। तो मैं बैठ गया बस में जाने के लिए, तो बस में कुछ सवारियां चढ़ी, तो उसमें कुछ आदमी कुछ औरत, यहाँ उनको जनाना और मर्दाना बोलते हैं, जनानी और मर्द बोलते हैं, कुछ जनानी और कुछ मर्द वहाँ चढ़े। उसमें एक जो मर्द था, यानी जो आदमी था, वो थोड़ा हट्टा कट्टा था, उसके चेहरे का रौब बड़ा अच्छा था, ऊँचे ऊँचे कपड़े वपड़े अच्छे थे, उसके साथ में एक जनानी थी, एक औरत थी, उसकी कुछ रही होगी जो भी होगी। और एक ऐसा ही चढ़ा जो गरीब सा था, उसके कपड़े साधारण थे, उसकी भी पत्नी थी, वो भी अपने सामान के साथ चढ़ा, सीट लगभग फुल थी, मैं तो बैठ गया। तो वो जो चढ़े लोग, जब वो आगे चढ़ने लगे तो उनको सीट नहीं थी। तो यहाँ एक परंपरा है कि अभी भी हरियाणा में, पंजाब में, कुछ लोगों को इस बात का शर्म रहता है कि भाई जनानी या औरत अगर खड़ी है तो उसको सीट दे दी जाए। हालांकि मेट्रो शहरों में तो सब बराबर हैं, औरतें और आदमी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, कोई किसी को सीट देने को तैयार नहीं है, सब आदमी औरत का जो भेद है वो यहाँ खत्म हो चुका है, गाँव में अभी है। तो उसमें से जो एक सीट पर आदमी उठा, उसने कहा कि ताई यहाँ बैठ जाओ। ताई दरअसल महाराष्ट्र के अंदर तो बहन को बोलते हैं, मगर यहाँ जो ताई बोलते हैं हरियाणा में और पंजाब में, ताई का मतलब है हमारे जो पिता के बड़े भाई हैं उनकी पत्नी, यानी हमारे पिता और उनके बड़े भाई और उनकी पत्नी को ताई बोलते हैं। पिता के बड़े भाई को ताऊ बोलते हैं और उनकी पत्नी को ताई बोलते हैं, तो इज्जत वाली बात है। एक तो दर्जा ऊपर बढ़ा दिया, यानी कि पिता के से बड़ा दर्जा दिया, ऊपर से ताई कहा, वो बैठ गए। उम्र लगभग उस व्यक्ति की ऐसी रही होगी 30-32 साल करीब में। मगर दूसरा सेंटेंस उसका बड़े कमाल का था, उसने जो गरीब जो बंदा चढ़ा हुआ था, जो गरीब लड़का लड़की चढ़े हुए थे, जो आदमी औरत थे, उसको उसने कहा कि भाभी इधर बैठ जाओ आप। तो मैंने कहा कि 10 सेकंड के अंदर ही ये ताई से भाभी पे आ गया। भाभी का मतलब होता है जो छोटा भाई है या बड़ा भाई है, जो उसकी पत्नी है उसको भाभी बोलते हैं। तो देवर भाभी में मजाक का जो काफी कुछ इधर जो हरियाणा है या जो इधर हाथरस है वो चलता रहता है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसने एक महिला को तो ताई कहा और दूसरे को उसने भाभी कहा, ताई और भाभी। तो मैं चिंतन में पड़ गया, क्योंकि बस के अंदर कई सारे चिंतन चलते हैं। अगर सीट आपको मिल जाए खिड़की वाली तो चिंतन आपका खिड़की के बाहर चलता है, सीट अगर आपको बीच में मिल जाए तो चिंतन आपका बस के अंदर चलता है, अगर आपको मत्था टिकाने के लिए कहीं हैंडल मिल जाए तो फिर चिंतन की बजाय नींद आती है, कहीं आपके पास हेडफोन वगैरह मोबाइल है तो फिर आप गाना चलते हैं चिंतन खत्म हो जाता है, या कोई इधर उधर देखते। तो मेरा चिंतन इस बात पर था कि इसने एक व्यक्ति को ताई कहा और एक को इसने भाभी कहा। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि जो दबंग था, जो जिसके चेहरे पर रौब था, जो बहुत ज्यादा दमदार लग रहा था, उसकी पत्नी को तो उसने ताई कहा, और जो गरीब था, जो कमजोर था, जो उसके चेहरे पे बिल्कुल गरीबी झलक रही थी, मजबूरी झलक रही थी, जो शरीर से भी कमजोर था, उसकी पत्नी को उसने भाभी कहा। खैर बात आई गई होगी और मैं अपना सोच विचार में चलता रहा। कुछ किलोमीटर के बाद जाके गाड़ी फिर रुकी, उसमें कुछ सवारी फिर चढ़ी। अब के 3-4 जो गरीब लोग थे वो अपनी पत्नी के साथ में चले, वो एक ग्रुप था, जब वो ग्रुप वहां आगे आया तो वही आदमी जो पहले एक को ताई और भाभी बोल रहा था उस पर रुका नहीं गया, तो उसने कहा अरे ताई आप ना पीछे निकल जाओ, पीछे सीट खाली है। अब मुझे ताज्जुब और ज्यादा हुआ कि सेम वही गरीब लोग थे, वही कमजोर लोग थे, मगर अब की बार इसने ताई कहा, अब की बार भाभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, मैंने चिंतन किया तो समझ में आया कि इस बार वो लोग ग्रुप में थे और ग्रुप में वो आए थे, इसलिए इसने अकेले को देख के तो भाभी कहा,
मगर ग्रुप में आए थे, झुंड में आए थे, इसलिए तय करके इसने रेस्पेक्ट दी क्योंकि वो ग्रुप में थे और समूह में ताकत थी। तो ये बात जो हमारे इधर चलती है कि गरीब की जो जोरू है यानी गरीब की जो पत्नी है वो सबकी भाभी होती है, वो बात मैंने वहां यथार्थ रूप में उस दिन देखी कि गरीब और अकेला हो तो उसकी तो पत्नी सबकी भाभी होती है, मगर गरीब अगर इकट्ठा हो तो फिर उसकी पत्नी भी ताई हो जाती है, यानी कि एकता में इकट्ठे होने में ताकत है। आप अगर शरीर से कमजोर हैं, मन से कमजोर हैं, और अगर कमजोर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपकी पत्नी भी ताई हो जाती है। दरअसल वो जो ताई और भाभी कह रहा था वो औरतों को नहीं बोल रहा था, क्योंकि औरतों को तो वो क्या इज्जत देगा क्या नहीं देगा वो तो वो जाने, वो जो इज्जत दे रहा था वो दे रहा था आदमियों को, यानी कि अगर आदमी दबंग है तो ताऊ हो गया, और आदमी अगर दबंग नहीं है तो फिर वो छोटा हो गया उससे, यानी छोटे भाई की जैसे भाभी, तो वो उसको आदमी की तरह से बोल रहा था, यानी कि आदमियों की इज्जत उसकी निगाह में घट रही थी और बढ़ रही थी, और कमजोर लोग अगर छोटे आदमी इकट्ठे होकर आ गए तो फिर वो ताऊ के बराबर इज्जत उनकी हो गई। ये बात मुझे वहां बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस बात को करते करते जब चिंतन आगे चला तो समझ में आया कि सम्राट अशोक के समय में हम तो बहुत बड़े मालिक थे। सम्राट अशोक के समय में हमारे पास नेपाल भी था, हमारे पास तिब्बत भी था, हमारे पास जो कश्मीर है वो पूरा का पूरा वो भी था, हमारे पास में ईरान भी था, हमारे पास में अफगानिस्तान भी था, हमारे पास भूटान था, श्रीलंका था, हमारे पास बर्मा था। ये सारे के सारे कंट्रियों का ये वृद्ध भारत जो था जो अशोक के समय में था, तो अशोक के बाद जो लोग आए उनका कहीं इतिहास नहीं मिलता कि ये टूटा कैसे, दरअसल ये चला कैसे गया, लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा किया तो हमने छोड़ क्यों दिया, वो लोग कौन थे जिन्होंने इस कब्जे को छोड़ दिया, जिन्होंने रिपेल नहीं किया, जिन्होंने जो लड़े नहीं, जो डर गए, जो दब गए, जो भाग गए, वो ऐसे लोगों ने किस प्रक्रिया के तहत में एक एक करके कंट्री हमारा गया, इस सोच में मैं पड़ गया। क्योंकि मैंने देखा कि जब ग्रुप में थे तो ये ताऊ बोल रहा था, जब अकेला था तो ये भाभी बोल रहा था, तो चिंतन मेरा यहां से चला कि कैसे कोई आदमी किसी को दबाता है और कैसे किसी के ऊपर हावी होता है और कैसे वो मनोवैज्ञानिक रूप से चलाता है। अशोक क्योंकि दबंग राजा था, अशोक की दबंगाई का कहीं जवाब नहीं, और अशोक के जो लोग हैं वो आज भी दबंग हैं, तो उसकी दबंगता इतनी ज्यादा थी, उसका खौफ इतना ज्यादा था कि उसकी सीमाएं सुरक्षित रहती थी और कोई विदेशी आक्रमण का कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि वही खुद आक्रमण करता था। तो विदेशी उसको मारने के बाद जो लोग राजा बने वो क्या इतने भी काबिल नहीं थे कि वो उस संपत्ति को बचा पाते, जहां जो जो विद्रोह होता गया उन्होंने वहां सरेंडर कर दिया और जमीन को देते चले गए। नेपाल ने सरेंडर कर दिया, नेपाल चला गया, तिब्बत ने सरेंडर किया, तिब्बत चला गया, अफगानिस्तान ने रिपेल किया तो अफगानिस्तान चला गया, ईरान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका चला गया, और जो अफरा तफरी मच रही तो वो मच रही है। तो वो इतिहास कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता, इतिहास को मैंने काफी ढूंढा कि अशोक का बृहद भारत टुकड़ों में कैसे टूटा और वो कौन से नालायक लोग थे जो मुंह छिपाकर इन टुकड़ों को देते चले गए और वो निकम्मे लोग हैं कहां। दरअसल हमारे बृहद भारत का किसने टुकड़े किए, वो देशद्रोही लोग कौन हैं जिन्होंने हमारे देश के बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया, वो निकम्मे लोग हैं कहां, उनका इतिहास नहीं मिलता। ये इतिहासकार भी ना वन साइडेड है, पूरे भारत के सारा इतिहास लिखा इन्होंने, दो इतिहास नहीं लिखे। एक तो इन्होंने ये इतिहास नहीं लिखा कि भारत में जो गुलाम देश कैसे बना, ये तो खूब लिखा कि आजाद कैसे हुए, आजादी की लड़ाई में कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, झूठा सच्चा सब लिखा, मगर ये कहीं नहीं लिखा कि इसको गुलाम किसने बनाया, कौन लोग थे निकम्मे जिन्होंने मुगलों को आने दिया, कौन लोग निकम्मे थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को आने दिया, कौन लोग निकम्मे थे जिन्होंने बाहर के लोगों को इसमें आने दिया, ये नहीं बताते। और दूसरा वो ये नहीं बताते कि अशोक के बृहद भारत को जिन लोगों ने लिया वो लोग कौन थे, और उनकी जो निकम्मापन है वो नहीं बताते कि उन्होंने कैसे करते करते ये सारे टुकड़े औरों को दे दिए और कैसे मेरे बृहद भारत की खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वो लोग हैं कहाँ, उनकी डायनेस्टी क्या है, उनके वंशज कहाँ हैं, वो लोग कौन हैं और वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में, क्या आज की डेट में भी वो भारत के टुकड़े बांट रहे हैं। ये सवाल बड़े अजीब से हैं, क्योंकि आपने देखा कि जैसे बस के अंदर चार लोग चढ़े तो उसने तुरंत उसको ताई कहा, और जब वो अकेला चढ़ा तो उसको भाभी कहा, यानी कि ऐसे लोग रहे होंगे जो किसी भी हालत में देख के किसी को डर गए होंगे और ताऊ ताऊ कह के उसको सामान दे दिया होगा बिना लड़े ही। ये बात यहाँ से निकल के आती है। खैर मैं अपने जगह पे पहुंच गया, क्योंकि मैं इतिहासकार तो हूं नहीं, ये सवाल मुझे आज तक पहचान करते हैं मिले नहीं, किताब मैंने बहुत ढूंढी मिली नहीं, भारत के बड़े बड़े ऊंचे इतिहासकार हैं मगर मेरी निगाह में सब जीरो हैं। इतिहास का एक पक्ष ही लिखा है उन्होंने, दूसरा लिखा ही नहीं। अरे भाई आजाद अगर देश हुआ है तो गुलाम बनाने का भी तो लिखोगे आप,
अगर अशोक का बृहद भारत है तो उसके टुकड़े होने का तो लिखोगे आप, आप एक ही तरफ लिखोगे, इसका मतलब आप अशोक के वंशज नहीं हो क्या, या आप भारत के सच्चे इतिहासकार नहीं हो क्या, ये आधा अधूरा इतिहास लिख के हमें हमारे हाथ में पकड़ा दिया, इस पर हम बहस करें क्या, आजादी का गुणगान करते रहें, आजादी के गद्दारों को ना ढूंढें, अशोक के बृहद भारत का जो हम गुणगान करते हैं, राष्ट्र करते हैं, तो हम ये ना देखें कि अशोक को किस लोगों ने खंजर घोपा और किन लोगों ने अशोक के टुकड़े टुकड़े कर दिए और किन लोगों ने अशोक के राज्य का बंटवारा कर दिया और वो नाकाम और निकम्मे लोग हैं कहाँ, ताकि हम आगे भी टुकड़ों में ना बटे। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.